होती है जो कि हमें रिजल्ट को शो करती है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस की अगर हमने बात करें तो हमारे पास जो मेन आउटपुट डिवाइस है वो मीटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, ये हमारी मेन आउटपुट डिवाइस होती है। वैसे कुछ इनपुट आउटपुट बोर्ड डिवाइस भी होती है, जैसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर हो गया, सीडी डीवीडी प्रिंटर, ये इनपुट आउटपुट दोनों काम करती है, बट सीडी डीवीडी इनको हमने मेमोरी के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम करेंगे आउटपुट डिवाइस में केवल मोड। अगर अपने आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये दो प्रकार के आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं इसमें, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, ऐसा आउटपुट जिसको आप केवल देख सकते हो, छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जैसे मॉनिटर में जो आउटपुट मिलता है मैं स्क्रीन में देखता हूँ केवल, ठीक है, और प्रोजेक्टर स्पीकर इनके जो आउटपुट है इसको केवल मैं देख सकता हूँ, इनको मैं छू नहीं सकता, तो इन्हें कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जबकि इन दोनों में जो मिलता है होता है हार्ड कॉपी आउटपुट, क्योंकि इनके जो आउटपुट को मैं देख सकता हूँ साथ में मैं इसको छू भी सकता हूँ। तो ये दो प्रकार के हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो मॉनिटर के बारे में होगी कि मॉनिटर जो एक आउटपुट डिवाइस है, मेन आउटपुट डिवाइस हमारी मॉनिटर होती है, तो जो मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस है उसका क्या यूज है, वो कहाँ यूज की जाती है, उसकी फंक्शंस क्या क्या है। देखिए अगर अपने नॉर्मल एक मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर हमारे पास बेसिकली होते हैं तीन प्रकार के, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं, बट पहले ये जो मॉनिटर है सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, इन मॉनिटर की विशेषताएं क्या होती है, यानी एक मॉनिटर है उसमें क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज आती है मॉनिटर को हम अपने सिस्टम के साथ जब अटैच करते हैं तो उसके लिए हमें कई प्रकार की केबल यूज की जाती है, और वो केबल होती है VGA केबल, DVI केबल, HDMI केबल, थंडरबोल्ट केबल, ये सारी की सारी केबल्स होती है जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक आउटपुट को शो कर सकते हैं या कोई चीज अपने सिस्टम से अटैच कर सकते हैं, अटैच करने के यूज करते हैं। नॉर्मली जो अपने यूज करते हैं ना वो VGA केबल का यूज करते हैं, जो 15 पिन की एक केबल होती है, ज्यादातर इसी का यूज होता है, 15 पिन होते हैं, इसे VGA केबल कहते हैं, जिसका यूज किया जाता है। अब हर मॉनिटर में आउटपुट डिवाइस के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, जैसे पहली चीज अपने इसकी बात करें वो होता है इसका रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब मेरे मॉनिटर का हाइट और विड्थ का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसे हम कहते हैं हमारी स्क्रीन का रिजोल्यूशन। अगर अपने स्क्रीन के रिजोल्यूशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल, जैसे 1920x1080 पिक्सल ये मैक्सिमम रिजोल्यूशन होता है किसी भी स्क्रीन का। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे 1680x1020, ठीक है, 640x740x620, ये सारे के सारे क्या है स्क्रीन रिजोल्यूशन। मतलब मेरी जो ये स्क्रीन है इस स्क्रीन में अगर विड्थ वाइज देखूं तो यहां ऐसे 1920 पिक्सल है, और अगर मैं ऐसे बात करूं हर लाइन में 1080 पिक्सल है, ठीक है, और पूरे कितने पिक्सल है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पूरे पिक्सल आ जाएंगे, और वही हमारा रिजोल्यूशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो मेरे पिक्सल है उसे रिजोल्यूशन कहा जाता है। जितना ज्यादा मेरी इमेज का रिजोल्यूशन होगा या मेरी आउटपुट डिवाइस का रिजोल्यूशन होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज हमें मिलेगी। हम कहते हैं ना मोबाइल का जो कैमरा है 10 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल का, 48 मेगापिक्सल का, तो जो 48 मेगापिक्सल का उसकी क्लियरिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें हर इमेज में पिक्सल बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पिक्सल्स कहलाते हैं, ये होते हैं हमारे पास क्या रिजोल्यूशन, हर स्क्रीन का एक रिजोल्यूशन होता है। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियो की, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो इसी को यानी इन दोनों को ही अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो वो इसका एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है, 4:3, मतलब मेरा जो स्क्रीन है ऐसे 4:3 के अनुपात में है, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर अपने करें तो दूसरा यूज कहता है 5:4, 16:9, ये सारे के सारे एस्पेक्ट रेशियो होते हैं।
ठीक है, हमारे स्क्रीन का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जो अनुपात होता है वो एस्पेक्ट रेशियो है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमारा रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बीच में बताता हूँ, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, विजुअल ग्राफिक एरे होता है, डिजिटल वीडियो इंटरफेस होता है, ये सारी केबल्स के नाम है, थंडरबोल्ट केबल होती है। ये थंडरबोल्ट केबल हमारे सिस्टम के साथ कोई हाई स्पीड की डिवाइस को, पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने के काम आती है, जो हमारी पेनड्राइव वनड्राइव यूएसबी होती है ना, वो भी सारी थंडरबोल्ट की कैटेगरी में आती है, वो सब अटैचमेंट करने के काम की होती है। एस्पेक्ट रेशो के बाद अगर अपने बात करते हैं तो जो नई नेक्स्ट चीज आती है वो होता है हमारा रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है, देखिए इमेज की जो रिफ्रेश रेट होती है, रिफ्रेश रेट हमारी स्क्रीन में एक रिफ्रेश रेट होती है। रिफ्रेश रेट का मतलब जब भी कोई स्क्रीन यानी इमेज शो होती है ना, तो वो यहां से लेकर यहां तक अपने सारे पिक्सल्स को ना ट्रेस करके स्क्रीन शो होती है, तो यहाँ टॉप से टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक पूरा स्कैन करने में, ये पूरा जो स्कैन होता है ये इसको क्या कहते हैं, इमेज का बनना कहलाता है। एक सेकंड में ये जितनी बार होता है उसे इसकी रिफ्रेश रेट कहा जाता है। जैसे एक सेकंड में मान लो ये 50 बार होता है तो 50 हर्ट्ज इसकी रिफ्रेश रेट है, यानी एक सेकंड में 50 बार ये स्क्रीन बनेगी। नॉर्मली 50 या 60 ही होती है रिफ्रेश रेट होती है, और रिफ्रेश रेट को कैलकुलेट करते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, स्क्रीन में प्रत्येक पिक्सल को ट्रेस करते हुए हमारी जो इमेज बनती है उसे क्या कहते हैं, इमेज का बनना कहलाता है, और एक सेकंड में जितनी बार बनती है वो कहलाती है हमारी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट। इसे हर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं हम डॉट पिच के बारे में। डॉट पिच क्या होता है, डॉट पिच देखिए, डॉट पिच क्या है, हमारी स्क्रीन जो होती है वो पिक्सल से मिलकर बनती है, स्क्रीन में सारी पिक्सल है, और पिक्सल जो होते हैं वो रेड ग्रीन ब्लू RGB तीन कलर से मिलकर बनते हैं। तो पिक्सल्स में जो कलर है दो पिक्सल के अंदर सेम कलर के बीच की जो दूरी होती है वो डॉट पिच कहलाती है। सपोज ये एक पिक्सल है, इसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू है, ये पिक्सल है इसमें रेड ग्रीन ब्लू है, तो ये रेड है और ये रेड है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डॉट पिच है। ठीक है, स्क्रीन के पिक्सल्स के बीच में सेम कलर की जो दूरी होती है डॉट पिच कहलाती है। पिक्सल अगर अपने पिक्सल की बात करें तो पिक्सल क्या होता है, पिक्सल को कहते हैं पिक्चर एलिमेंट, स्क्रीन की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो पिक्सल ही होती है। तो ये हमारे पास क्या है कि एक मॉनिटर के बारे में अगर अपने बात करते हैं तो उसमें केबल कौन सी यूज की जाती है, उसका रेजोल्यूशन क्या होता है, डॉट पिच क्या होती है, रिफ्रेश रेट क्या होती है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास मॉनिटर के अंदर आती है। अब अपने बात करते हैं मॉनिटर के टाइप, जो हमने ऊपर लिखे थे हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तीन टाइप के हमारे पास मॉनिटर होते हैं और वो कौन कौन से हैं, LCD, LED और CRT। देखिए CRT के बारे में बात करें तो ये सबसे पुराना सबसे हैवी इस तरीके से जो टीवी टेलीविजन होते थे वो CRT होते थे। इसके बैक साइड में क्या होती है, एक टंगस्टन लगा होता है, पावर ऑन करते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन गन से और फास्फोरस की लेयर के बैक साइड में जाके टकराता है, ग्लो होता है और जो भी चीज है जो भी आउटपुट है वो आपको शो होता है। ये मॉनिटर जो होते हैं ये थोड़े हैवी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़े सस्ते भी हैं, लेकिन कलर सबसे ज्यादा कलर जो होती है वो इसमें अच्छी क्वालिटी के शो होती है, सारे कलर शो कर सकता है CRT मॉनिटर। इसलिए ज्यादातर जो फोटोग्राफर्स होते हैं जो कलर वाला काम करते हैं ज्यादातर मॉनिटर को प्रेफर करते हैं LCD की बजाय, क्योंकि उसमें कलर सारे अलग अलग क्लियरिटी के साथ शो होते हैं। तो CRT मॉनिटर होता है, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं इसे, CRT फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि ये कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, पीछे से इलेक्ट्रॉन निकलता है इससे। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके अंदर क्या होता है ये बहुत थिन होती है, पतली सी होती है। ठीक है, बैक साइड में दो पोलर्स के बीच में इसके अंदर क्या लिक्विड भरा हुआ होता है, जैसे ही आप पावर ऑन करते हो उस लिक्विड में रिएक्शन होता है और आपको एक आउटपुट शो होता है। ठीक है, तीसरी जो होती है LED लाइट इमेटिंग डायोड, लाइट इमेटिंग डायोड के अंदर क्या होता है ये LCD से भी ज्यादा थिन होती है, बहुत ज्यादा हल्की होती है, आसानी के साथ इधर से उधर कर सकते हैं,
महंगी ज्यादा होती है, कलर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, मतलब इसमें HD फुल HD देखे जा सकते हैं, यानी ये डिजिटलाइज करके दिखाती है हर चीज को। इसमें क्या होते हैं, हमारी स्क्रीन के बैक साइड में LEDs लगी होती है। आजकल जो मोबाइल टीवी या जितनी चीजें आई जाती है वो LED होती है, ठीक है, क्योंकि बैक एंड में उसमें LED लाइट्स लगी हुई है, जिसके जिसमें जब भी आप कोई पावर ऑन करते हो वो लाइट्स जलती हैं और उसी के हिसाब से आपको आउटपुट शो होता है। इन तीनों की मेन क्या चीज है, कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो इनकी फुल फॉर्म मेन है जो ज्यादा पूछी जाती है, CRT कैथोड रे ट्यूब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। सबसे ज्यादा हैवी होता है, कम हैवी होता है, सबसे कम हैवी होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है, उससे पतला होता है। कई बार क्या होता है, LCD और LED को ना आप देख के नहीं पहचान सकते, क्योंकि लगभग दिखने में एक जैसी होती है, लेकिन जब आप उसमें वर्किंग करते हो, उसको ऑन करते हो, तो LCD केवल सामने से आप उसको देखोगे तो वो क्लियर दिखाई देगी चीज, ठीक है। अगर मैं थोड़ा एंगल वाइज, जैसे मान लो ये LCD है, मैं थोड़ा एंगल वाइज जाके देखता हूँ तो मुझे उस साइड की चीज क्या थोड़ी धुंधली दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी, वो LCD होती है। जबकि LED में अपने थोड़े से एंगल में भी चले जाते हैं तो भी वो आपको क्लियर दिखाई देती है चीज, वो LED होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये हमारा मॉनिटर था जो मेन आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में केवल मॉनिटर के बारे में ही है, आगे हम बाकी आउटपुट डिवाइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।